मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं टुडे साउथ, जहाँ होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। आपको बता दें कि सलार एक आगामी एक्शन ड्रामा है जिसमें साउथ स्टार प्रभास प्रशांत नल के निर्देशन में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। निर्माताओं ने पहले ही सलार के पहले शेड्यूल को पूरा कर लिया है। साल एक बड़े बजट के मनोरंजन करता है और प्रशांत नल थोड़े समय में पूरी शूटिंग पूरी करना चाहते हैं। अब खबरें आ रही हैं कि प्रशांत नल ने बहुत ही सहायकों को काम पर रखा है। इस फिल्म सलार पर 20 से अधिक सहायक निर्देशक काम कर रहे हैं जिसमें प्रभास एक मैकेनिक की भूमिका निभा रहे हैं। इस फिल्म में श्रुति हासन को एक अग्रणी महिला के रूप में हस्ताक्षरित किया गया है। सलार को आधिकारिक तौर पर पिछले दिसंबर में एक पोस्टर के साथ घोषित किया गया था। एक एक्शन सागा होने के कारण फिल्म को हिंदी में डब और रिलीज किया जाएगा और इसे अनिल ठडानी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। इस बीच में प्रभास वर्तमान में आगामी तेलुगु अवधि के रोमांटिक ड्रामा राधे श्याम को पूरा करने में व्यस्त है जिसमें पूजा हेगड़े एक अग्रणी महिला के रूप में है। राधा कृष्ण कुमार द्वारा निर्देशित फिल्म जिसमें प्रभास एक संगीत शिक्षक के रूप में एक तार पाठक और पूजा हेगड़े की भूमिका निभा रहे हैं। वैसे आप लोग ये दोनों फिल्मों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़ एंड अपडेट।